हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्त, वेलकम टू बैक टू वेलकम, स्वागत है आपका एक और साइजी डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई एनर्जी कन्वर्जेशन का MCQ क्वेश्चन। जी दोस्तों, ये है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही आएंगे, यानी कि यही बिल्कुल यही आएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए, ऊर्जा खपत से में वृद्धि, बी ऊर्जा खपत में कमी, ऊर्जा की खपत समान रहती है कोई नहीं, इसमें बी सही है, ऊर्जा खपत में कमी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दो, भारत के जीवाश्म ईंधन भंडार हैं असीमित, सीमित, अगले कुछ वर्ष, अगले हजार वर्ष। तो भारत के जीवाश्म ईंधन भंडार सीमित हैं, जैसा कि सब कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं, तो भारत में है जो लगभग 20 वर्षों तक चल सकता है। बाद में क्या ऐसा है, कौन सा भंडार है जो लगभग 200 वर्षों तक चल सकता है, 200 वर्ष था। तो विशाल तेल भंडार, प्राकृतिक भंडार, कोयला भंडार, परमाणु ईंधन भंडार। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, कोयला भंडार। उसके बाद आता है चार नंबर, भारतीय कोयले में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख चिंता का विषय है। तो नंबर इनमें राख की मात्रा अधिक होती है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ा है, ए और बी दोनों, इसका उच्च उष्मीय मान होता है। तो इसका सी सही है, ए और बी दोनों। तो आगे पांच की तरफ हम बढ़ते हैं, पांच है, संवेग संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मूलभूत अवधारणा है। नंबर ए, पावर सिस्टम पर अतिरिक्त मांग, नंबर बी ऊर्जा संरक्षण, नंबर सी विद्युत ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, विद्युत ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में कमी। तो इसका बी सही, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कन्वर्जेशन जैसा चैप्टर ही है। सिक्स पे आ जाते हैं, तो छठा क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लाभ हैं। नंबर ए, लागत कम करके लाभ बढ़ाना, सतत विकास, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, और नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें से उपरोक्त सभी हैं। तो सात की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत संगठन और वाणिज्यिक स्तर पर ऊर्जा बिल को कम करना गैस का परिणाम है। नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग, नंबर बी ऊर्जा संरक्षण, नंबर सी ग्रीन हाउस प्रभाव, नंबर डी कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण, इसका भी सही है। तो आठवीं की तरफ पढ़ते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरणीय संरक्षण को कम करना, सीमित संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करना डैश के लाभ है। नंबर ए ऊर्जा प्रवर्धन, नंबर बी ऊर्जा संरक्षण, नंबर सी ऊर्जा लेखा परीक्षा, नंबर डी सतत विकास। इसका बी सही, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कन्वर्जेशन। तो नवे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया है, किस वर्ष में बनाया है, कहने का मतलब ये है। तो नंबर ए 2002, नंबर बी 2001, नंबर सी 2000, नंबर डी 2003। तो ये बी सही है, कुछ आंसर नंबर 2001 में ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, BEE की स्थापना डैश द्वारा की जाती है, भारतीय राज्यों की राज्य सरकार, बी भारत सरकार, सी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य, डी उपरोक्त सभी। इसमें आंसर बी सही है, भारत सरकार द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ, ग्यारहवां क्वेश्चन है, ऊर्जा की खपत और तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति और रणनीति विकसित करना डैश का मिशन है। ए BEE BECA 2001, CECBC और डी डिजाइनेटेड कंज्यूमर्स। तो इसमें आप
आपका आंसर ए सही है, बी ई ई। तो आगे बढ़ते हैं बराबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विभिन्न संस्थानों के बीच आवश्यक समन्वय प्रदान करता है? नंबर ए भारतीय राज्यों की राज्य सरकार, बी भारत सरकार, सी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के राज्य, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही, भारतीय राज्यों की राज्य सरकार। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए भारतीय राज्यों की राज्य सरकार, बी ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन, और सी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, और डी ऊर्जा प्रवर्धन और ऊर्जा लेखा परीक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, और डी उपरोक्त सभी। नहीं, ई है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ई वाला आंसर इसका सही है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का गठन वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981, और ऑप्शन डी 1980। जिसका अधिनियम का गठन वर्ष 1974 में किया गया था। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, ईसी अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान है? विभिन्न, ऑप्शन ए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए मानदंडों का निर्धारण, बी नामित एजेंसियों की अधिसूचना, सी ऊर्जा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए नियमावली और कोड, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरह। द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ 1956 कवर, तो ऑप्शन ए विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, बी लाइसेंसिंग, सी सामान्य सुरक्षा सावधानियां, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का गठन वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? तो ई 1998, बी 1999, सी 2000, और डी 2001। इसका आंसर डी सही है, 2001। मीटरिंग, अर्थिंग और अन्य स्थापना मामलों के लिए एक विशेष विद्युत आपूर्ति प्रणाली प्रावधान के नियम विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अनुसार है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956, और ऑप्शन डी 1958। तो ऑप्शन बी सही है, 1948। अब आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रबंधन के प्रति उन्मुख दृष्टिकोण नहीं है? नंबर ए क्षमता उपयोग, बी उपकरण का ठीक मोड़, और ऑप्शन सी प्रौद्योगिक उन्नयन, और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन डी सही, इनमें से कोई नहीं। और 20वां क्वेश्चन, LNG का अर्थ है? नंबर ए लिक्विफाइड नेचुरल गैस, डी बी वाला लिक्विड नेचुरल गैस, सी लो नाइट्रोजन कंटेंट गैस, और डी लिक्विड नाइट्रोजन गैस। जिसका ये सही है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने कॉलेज ग्रुप में अवश्य शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, दबाइए बेल आइकन, जिससे और भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। डिप्लोमा से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड और न्यूज़ से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो आप लोगों के बीच में आने वाली है। तो हाँ, बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे, टेक केयर।